चुनाव होगा, उसके बाद जो लीडरशिप आएगी वो इस संगठन की सच्ची लीडरशिप होगी। और आज वो लीडरशिप मेरे सामने बैठी हुई है, जिलों से, राज्यों से, सब तरफ से चुन के 114 जिले से हमारे पास साथी आए हैं। और जिस तरह से उत्साह है, कई साथी कह रहे थे कि ये पिछले अभी कन्वेंशन की डेडलाइन की वजह से इतने जिले हमें रोकने पड़े, जाते ही इतने जिलों में और करवा देंगे, तो 114 का आंकड़ा बहुत जल्दी हमें 200 तक तो ले जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो ये जो आज की गैदरिंग है ये एक सही प्रतिनिधि सभा है। अब ये सेल्फ अपॉइंटेड लीडर नहीं है जो अपने लिए कोई प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। आज तो हम चारों पांचों लोग भी अपॉइंटेड हो गए हैं प्रॉपरली। अब तक हम सेल्फ अपॉइंटेड थे, वो चीन में बोलते थे गैंग ऑफ फोर, चार का गैंग होता था जो चीन चलाया करता था। और हम चारों को पिछले एक बरस से बड़ी इसकी वो रही है कि ये कहीं चार से छुटकारा मिले। और आज मुझे विश्वास, मुझे खुशी है, कल सुबह आपके सामने जब संगठन के पदाधिकारियों के नाम घोषित किए जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो जो कलेक्टिव लीडरशिप, वो जो सामूहिक नेतृत्व जिसकी हम कल्पना करते हैं एक लोकतांत्रिक संगठन में, कि भाई आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत और लोग भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, तो जिस तरह के सामूहिक नेतृत्व की हम कल्पना करते हैं उसका चेहरा कल आप सुबह देख पाएंगे। एक नया सामूहिक नेतृत्व भी हमारे यहाँ पे उभर पाएगा। और ये गैंग ऑफ फोर को आपको इस लेबल से, और आपको इस गैंग ऑफ फोर से मुक्ति मिलेगी। तो ये प्रस्ताव मैं पढ़ देता हूं। आई विल फर्स्ट रीड इट आउट इन हिंदी एंड देन आई विल ट्रांसलेट दिस रेजोल्यूशन इनटू इंग्लिश, गिव द जिस्ट ऑफ द रेजोल्यूशन। मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु वर देयर यस्टरडे फॉर द एनएससी मीटिंग हैड हर्ड इट, देयर इज नथिंग एडिशनल हियर, बट देयर आर सम फ्रेंड्स हु हैव कम टुडे हु वर नॉट देयर यस्टरडे, सो आई विल समराइज इट फॉर देम इन इंग्लिश लेटर। मैं ये बता दूं कि ये प्रस्ताव आपके सामने आने से पहले नेशनल वर्किंग कमेटी में प्रस्तुत हो चुका है, स्वीकार हो चुका है, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी में, नई जो इलेक्टेड नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है उसमें स्वीकार हुआ। तकनीकी रूप से चाहते तो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी हमारे स्वराज अभियान में कोई भी फैसला ले सकती है, वो तो संविधान भी बदल सकती है, लेकिन कल हमने नेशनल स्टीयरिंग कमेटी से आग्रह किया कि ये फैसला बहुत बड़ा है, ये फैसला आप मत लीजिए, हमसे बड़ी एक सभा को ये फैसला लेने के लिए हम अधिकृत करें। तो कल नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ने एक विशेष रेजोल्यूशन पास किया है, और वो रेजोल्यूशन कहता है कि वैसे तो इसके सारे फैसले स्वराज अभियान के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी लेती है, लेकिन पार्टी बनाने संबंधित प्रस्ताव पर वोट करने का अधिकार नेशनल स्टीयरिंग कमेटी अपने आप से हटा के आज का ये जो डेलीगेट सम्मेलन है उसको देती है। ये इस लोकतंत्र की भावना, और मैं नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का सम्मान करता हूं। आमतौर पे कोई भी बॉडी अपने अधिकार किसी और को नहीं देती है, लेकिन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ने कहा कि नहीं, हम अपना कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार इस बड़ी बॉडी को देते हैं। तो इस सब प्रस्तावना के साथ मैं केवल ये प्रस्ताव पढ़ देता हूं। आप में से जिस जिसके पास झोला है उसके पास ये प्रस्ताव है। प्रस्ताव का नाम है देश बचाने और देश बनाने के लिए एक नई राजनीतिक शक्ति का निर्माण। तो शीर्षक में ही एक तरह से बिल्कुल स्पष्ट है प्रस्ताव क्या कहने जा रहा है। स्वराज अभियान की स्थापना वैकल्पिक राजनीति को मजबूत करने के लिए हुई थी। 14 अप्रैल 2015 को स्वराज अभियान के स्थापना सम्मेलन ने स्वराज अभियान की आवश्यकता को कुछ इस तरह चिन्हित किया था। इसके बाद एक लंबी कोटेशन है जो हमने 14 अप्रैल को प्रस्ताव पारित किया था उसी में से, तो मैं शब्दशः वो पढ़ रहा हूं जो 14 अप्रैल को हमने कहा था। स्वराज की मशाल लेकर चले देशव्यापी आंदोलन के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और शुभचिंतकों का यह संवाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस आंदोलन की आत्मा को बचाए रखने के लिए वैकल्पिक राजनीति के प्रयासों को और मजबूत करने की जरूरत है। हमने देखा है, यानी कि एक साल पहले हमने देखा था,
आज भी नई पीढ़ी में त्याग, बलिदान और आदर्श की कमी नहीं है। देश और दुनिया के कोने कोने में बैठे हिंदुस्तानी एक सुंदर भारत के सपने के लिए आहुति देने को तैयार हैं। हमने देखा है कि पाप और झूठ पर खड़े सत्ता के महल ताश के पत्तों की तरह ढह सकते हैं। एक साल पहले हमें पाप और झूठ के महल कुछ और दिखाई देते थे, आजकल उन महलों में वृद्धि हो गई है। हमने देखा है कि इस देश का आम आदमी, आम औरत और अंतिम इंसान एक नई राजनीति को गले लगाने के लिए आतुर है। हमने देखा है कि इतिहास की धार मोड़ी जा सकती है। इस सफर से हमने कुछ सबक भी सीखे हैं। उस वक्त घाव ताजा थे और सबक भी हमें याद थे, लेकिन अब वो सबक हमें याद रखने की जरूरत है। जहां एक और हम अपनी मंजिल के करीब आए, वहीं दूसरी ओर हमारे सपने और हकीकत में फासला बढ़ा भी है। नई राजनीति चली थी देशव्यापी विकल्प बनने के लिए, लेकिन कहीं एक क्षेत्रीय या महानगरीय दायरे में सिमटती हुई नजर आ रही है। एक राजनीतिक आंदोलन महज चुनावी मशीन बनता जा रहा है और वॉलंटियर उस मशीन के पुर्जे बन रहे हैं। नई राजनीति के विचार को ही वर्तमान राजनीति ने बदलने की घोषणा कर दी है, की कोशिश कर दी है। व्यक्ति पूजा, हर कीमत पर सफलता की लालसा, मर्यादा को ताक पर रखने की प्रवृत्ति और येन केन प्रकारेण चुनाव जीतना और सत्ता में बने रहना, इन सब बीमारियों से आज की नई राजनीति भी दूर नहीं रही है। पिछले 15 महीनों में हमने इसके और बहुत प्रमाण देखे हैं। अब अगर गिनाने बैठ जाएं तो न जाने कितनी मिसाल मिल जाएंगी अब तो इसकी। हर दूसरे दिन अखबार में कोई नई मिसाल छप जाती है। ऐसे में वैकल्पिक राजनीति को मजबूत करने के लिए यह सभा स्वराज अभियान की स्थापना का निर्णय लेती है। ये बात कही थी हमने 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को हमने कहा था वैकल्पिक राजनीति को मजबूत करने के लिए यह सभा स्वराज अभियान की स्थापना का निर्णय लेती है। पिछले 15 महीनों में स्वराज अभियान ने उन चारों दिशाओं में प्रयास किए हैं जो स्थापना सम्मेलन में चिन्हित की गई थी। स्थापना सम्मेलन में हमने अपने लिए चार काम चिन्हित किए थे। देश के सामने खड़े ज्वलंत मुद्दों को लेकर आंदोलन चलाना पहला काम था। स्वराज अभियान ने भूमि अधिग्रहण, सूखा, जन लोकपाल और राजनीतिक भ्रष्टाचार के सवालों पर जन आंदोलन चलाए हैं। किया है ना ये काम हमने जी। दूसरा, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर स्वराज संवाद आयोजित करना, ये हमने काम लगाया था। कितने स्वराज संवाद आयोजित किए, पहले 3 महीने में तो थक गए हम। अपनी स्थापना के पहले 3 महीने में ही स्वराज अभियान ने देश के कोने कोने में स्वराज संवाद आयोजित किए। तीसरा काम था वैकल्पिक राजनीति के लिए कार्यकर्ताओं को चिन्हित करना और उनका प्रशिक्षण करना। पिछले 15 माह से स्वराज अभियान नए और युवा कार्यकर्ताओं को जोड़ रहा है। प्रशिक्षण की कार्यवाही शुरू हो गई है। आज इस सभा में उस प्रशिक्षण से आए हुए कई लोग शामिल हैं और आने वाले महीनों में प्रशिक्षण का काम हम बहुत बड़े पैमाने पर करने वाले हैं। चौथा था कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर नए भारत का एजेंडा तैयार करना, ये काम हमने दिया था। यह दस्तावेज अब स्वराज दर्शन की शक्ल में उपलब्ध है। हमने अपने लिए काम रखा था और आज इस काम को संपन्न करके अंग्रेजी और हिंदी दोनों में हमने एक दस्तावेज रख दिया है कि देखिए देश के बारे में ये हमारी समझ है। अब आप बताइए इसमें क्या कमी है। बदलेंगे, सीखेंगे, लेकिन कोरा पन्ना नहीं है, हमने कुछ एक समझ अपनी रखी है। स्थापना सम्मेलन के दिन वहां उपस्थित आंदोलनकारियों का एक हिस्सा यह चाहता था कि तुरंत एक राजनीतिक दल का गठन हो जाए, लेकिन वहां पारदर्शी व लोकतांत्रिक वोट द्वारा यह फैसला किया गया कि राजनीतिक पार्टी का गठन तत्काल न किया जाए। यह तय किया गया कि स्वराज अभियान पहले आंदोलन में संगठन निर्माण पर ध्यान देगा और पारदर्शिता, जवाबदेही व आंतरिक लोकतंत्र के मानकों को पूरा करेगा। नवंबर 2015 में स्वराज अभियान की राष्ट्रीय संचालन समिति ने इन मानकों के लिए कुछ न्यूनतम कसौटियां निर्धारित कर दी, कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स, यार्डस्टिक हमने बना दिए अपने लिए। आंतरिक लोकतंत्र की कसौटी यह थी कि राष्ट्रीय शक्ति निर्माण का निर्णय
मौजूदा संचालन समिति व कार्यकारिणी की जगह विधिवत चुनी गई व गठित की गई नई राष्ट्रीय संचालन समिति व कार्यकारिणी द्वारा लिया जाएगा। स्वराज अभियान के संविधान के मुताबिक ऐसा तभी हो सकता है जब कम से कम 6 राज्यों के 1/3 जिलों और देश के कम से कम 100 जिलों में न्यूनतम सदस्यता की शर्त पूरी करते हुए विधिवत आंतरिक चुनाव की प्रक्रिया से नई समितियां चुनी जाएं। ये सब हम जानते हैं, कम से कम 100 मेंबर नहीं होंगे तो डिस्ट्रिक्ट में यूनिट नहीं बनेगी, कम से कम 100 जिलों में यूनिट बने चुनाव हो, 100 जिलों में कम से कम यूनिट बने और चुनाव हो, और वो 100 जिले कम से कम देश के 6 राज्यों में हो, 6 राज्यों का 1/3 जिले हो, तभी हम ऐसा करेंगे। ये हमने अपने लिए कसौटी रखी थी। आज स्वराज अभियान ने 7 राज्यों के 1/3 से अधिक जिलों और देश भर के 114 जिलों में एक कसौटी पूरी कर ली है। वो 7 राज्य जो है, मैं चाहता हूं उसके साथी हाथ उठाएं। उत्तराखंड, ये उत्तराखंड के साथी हमारे बैठे हैं। हरियाणा, ये हरियाणा से आए हुए हमारे साथी हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथी आए हैं। दिल्ली, दिल्ली के साथी हमारे यहां पे आए हुए हैं। महाराष्ट्र, देखिए दूर महाराष्ट्र से भी साथी आए हैं। और कर्नाटका, इवन फ्रॉम कर्नाटका वी हैव डेलीगेट। स्पेशल क्लैप्स फॉर दीज फ्रेंड्स फ्रॉम कर्नाटका। ये मैंने सारे राज्यों के नाम नहीं गिनाए, केवल वो 7 राज्य जहां 1/3 जिले पूरे हो गए हैं। कर्नाटका में 30 जिले हैं, 11 जिलों में, ओ माफ कीजिएगा, देखिए फिर बिहार के साथ अन्याय हो गया, मेरा तो मतलब रहना मुश्किल हो जाएगा। बिहार दिल, अरे देखिए ये हुई ना बात, ये हुई बात। अब बताइए किसकी मजाल की वो बिहार को नजरअंदाज कर दे आपकी उपस्थिति के बाद। ये हुई बात, वाह। मेरा ध्यान की सुई कर्नाटका पे अटकी हुई थी इसलिए कि 30 जिलों में जहां हमारे साथियों को लगता था 1 या 2 जिलों में संगठन बन पाएगा, हमारे साथियों ने 11 जिलों के अंदर वहां इकाई गठित की और वो साथी 13 जिलों में, और वो नहीं बिहार में, बिहार की बात नहीं कर रहा मैं कर्नाटका की बात कर रहा हूं, 11 जिलों में इकाई की और साथी इतने दूर से यहां ट्रेवल करके आए हैं। मैं चाहूंगा कि कभी स्वराज अभियान का सम्मेलन बेंगलोर में हो और वहां पे भी हम सब लोग वहां तक जाएं, ट्रेवल करके जाएं।